चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है जो कि आप नीचे पढ़ सकते हो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 4 आवर्स 20 मिनट्स, मतलब 4:20 में आवर हैंड और मिनट हैंड में कितने का एंगल बनेगा। तो देखिए डायग्राम यहाँ बनी है, आपको आइडेंटिफाई हो ही गया होगा कि हमको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करें, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, कोई डरने की बात नहीं है। शुरुआत कैसे करें, जब 4 बजे होंगे मतलब एट 4 o'clock, What was the angle between the hour hand with the vertical? मतलब hour hand यहाँ पे 4 पे है और minute hand कहाँ पे है, 12 पे। तो उसके हिसाब से angle कितना बनेगा? हम जानते हैं कि एक hour में total 30 degree का angle होता है और 4 बजे हैं तो कितना हो गया? 120 degrees, clear? पर 4 तो नहीं बजे, 4:20 का समय हुआ है, मतलब additionally 20 minute का travel हुआ है। तो additional in 20 minutes आवर हैंड ने कुछ ना कुछ ट्रेवल किया होगा, तो वो कैसे निकाले? तो आवर हैंड इज इक्वल टू, हम जानते हैं दैट द स्पीड ऑफ आवर हैंड इज 0.5 degrees per minute इनटू 20, तो कितना आएगा? 10 degrees, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमको टोटल आवर हैंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया विद द वर्टिकल, तो कैसे निकालेंगे? 120 degrees plus 10 degrees is equal to 130 degrees। ये बात हो गई आवर हैंड की। पर साइमल्टेनियसली मिनट हैंड भी ट्रैवल कर रहा है, तो मिनट हैंड ने कितना ट्रैवल किया इन 20 मिनट्स? मिनट हैंड की कैसे कैलकुलेशन होंगे? हम जानते हैं दैट मिनट हैंड ट्रैवल्स एट अ रेट ऑफ 6 डिग्रीज पर मिनट इनटू, उसने 20 मिनट्स ट्रैवल किया है तो इनटू 20 इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो हमारे पास मिनट हैंड ने कितना ट्रैवल किया वो पता है, आवर हैंड ने कितना ट्रैवल किया वो पता है, हमको निकालना क्या तो कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, मतलब क्या डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन Our hand and minute hand. कैसे निकलेगा? Our hand ने कितना travel किया? 130 degrees. वही minute hand ने कितना किया? 120 degrees. तो आंसर कितना आया? 10 degree. तो दोनों के बीच का angle कितना हुआ? 10 degrees. ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।